नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। तो रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की तरफ। हल्द्वानी में MBPG कॉलेज में स्ट्रांग रूम के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना तंबू कस लिया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा EVM मशीनों को बदल सकती है, भाजपा की ये मंशा पूर्ण ना हो इसके लिए उन्होंने एहतियातन हवाला देते हुए अपने कार्यकर्ताओं को 24/7 के लिए यहां नियुक्त कर दिया है। कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के पास ही निगरानी में बैठे हैं और स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं और हर हलचल पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही यहां कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के अंदर रखी EVM मशीनों की CCTV फुटेज समय समय पर देख रहे हैं और तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी हालात की जानकारियां ले रहे हैं। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता 10 मार्च तक यहीं रहकर EVM की निगरानी करेंगे। गड़बड़ी के आसार हैं, इसीलिए हमको यहाँ रखा गया है। तो कितने दिन हो गए आज आप लोग को यहाँ पर? हम लोगों को हो गए आज 5 दिन। हम इसलिए कहना है, इसमें हम कहना चाहते हैं ना, उनको BJP को अपनी हार का पूरा है, डर लग रहा है, तो हम ये लालकुआ विधानसभा की तरफ से, राउत जी की तरफ से हम यहाँ पर बैठे हैं कि EVM मशीन में गड़बड़ी ना हो। वही पत्थरडूंगा में बीते रात लगभग 11 बजे के करीब एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी ग्राम सभा ककनई ढाटा थाना रीटा क्षेत्र से बारात लेकर टनकपुर गई थी, जो बारात वापसी के समय गाड़ी चालक का नियंत्रण खो गया और वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में लगभग 13 लोग सवार थे। घटना के बाद रीटा पुलिस ने रेस्क्यू कर वाहन और खाई में फंसे लोगों को बाहर निकाला। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर, डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, ईबाबा, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्ट अवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।